तो यार स्लॉट्स हमें भी मिल चुके हैं, तो यार डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमें शो करने को मिल रहा है जो कि क्राफ्टोन की ब्रांडिंग के साथ स्टार्ट हो रहा है गेम। जैसा कि तुम देख रहे हो, ये जो भी नोटिस वगैरह आ रहे हैं पढ़ते रहो। जिसको भी यार ये नहीं पता कि पबजी डाउनलोड करना कहाँ से, तो यार डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो उस वीडियो पे जाके तुम पबजी डाउनलोड कर सकते हो ईजिली, कोई इशू नहीं आएगा और आराम से डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा तुम्हारा। सब यार डाउनलोड कर लो फटाफट से बस। तो यार ये कुछ रिसोर्स पैक डाउनलोड हो रहे हैं जो कि कुछ 618 MB के हैं, तो यार इसमें तो बहुत ही टाइम लग जाएगा मतलब। तो मैं वीडियो स्किप कर देता हूँ, फिर चलते हैं वीडियो पे। तो यार ये रिसोर्स पैक डाउनलोड होने वाले हैं, तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा कि रीस्टार्ट योर गेम, तो आप रीस्टार्ट करके आ जाना। एक्सेप्ट के लिए बोल रहा है, सब लोग अपनी अपनी ऐप से लॉगिन कर लेना, इससे कोई इशू नहीं है कि भाई ये पबजी इंडिया वर्जन है। तो यार फटाफट से सारे फेसबुक पे लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस हमारे सामने शो होगा। तो यार लॉगिन होने के बाद कुछ ऐसा शो होगा तुम सबको भी। तो बूम गाइस, यार इन्हें हमें भेज दिया है हॉस्पिटल में, क्योंकि यार तुम अभी बाहर वाले गेम से आ रहे हो जो कि बाहर का गेम था जिसमें कोरोना बढ़ा ही हुआ है, तो इसमें तुम्हें पहले सैनिटाइज करा जाएगा। फटाफट से कर लेते हैं हम यार ये सब और करते हैं क्रिएट पे फिर क्लिक। कुछ रिलोडिंग के बाद हमें सीधा होम स्क्रीन पर ले जाएगा पबजी के। तो यार ये कुछ हमें गिफ्ट्स रिडीम हुए हैं अभी, नोटिस वोटिस का अलो करने के बाद यार फिर डाटा ट्रांसफर का नोटिफिकेशन देगा, तो यार जिसको डाटा ट्रांसफर करना है वो प्रोसेस करता जाए, बाकी आपका डाटा आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, एकदम बढ़िया चलेगा। पर ये है ग्लोबल वाला वर्जन तुम्हारा पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसमें तुम दोबारा से नहीं जा पाओगे। प्रोसेस खत्म होने के बाद ये हमें कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देता कि तुम्हारा डाटा ट्रांसफ़र होने वाला है, तो यार हमें तो तसल्ली होती ही नहीं है। तो हम लॉगिन फेसबुक फिर दोबारा करके देखते हैं तो क्या इंटरफेस आता है हमारे सामने। तो यार डाटा अभी भी प्रोग्रेस पे चल रहा है, काफ़ी सारे लोग यार डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यार हमें यहाँ पर नोटिस देखने को मिलता है कि 1 घंटे बाद आप गेम पर वापस आइए तो आपका डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यार मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, देखते हैं फर्स्ट गेम प्ले हमारा कैसा रहेगा। काफ़ी लोगों को मैं ये भी नोटिस दे दूं कि यार हमारे सब चीज़ वापस नहीं आएगी, केवल कंट्रोल्स सेंसी बस यही सब नहीं आएगा, बाकी तो सारा कुछ आ जाएगा तुम्हारा वापस। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।